टू माई चैनल बैनर्जी मंत्रा। बैनर्जी मंत्रा में हम स्वागत करते हैं आपका। आज का भी ये वीडियो रिएक्शन वीडियो है और ये रिएक्शन वीडियो है ए फॉर अंकुर के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ए फॉर अंकुर के लिए। तो इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपसे मेरा वीडियो शुरू होता है। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खूब भर भर के लाइक कीजिएगा, डबल लाइक मत कीजिएगा वरना लाइक हट जाता है, और कमेंट्स भी खूब सारे कीजिएगा। मिलते हैं इंट्रो के। वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग ने आजकल काफ़ी सुना होगा, हो हल्ला हो रहा है कि किसी ने छोटे भाई को जो है कमेंट में किया कि रिएक्शन वाले आप तो मैं और आप लोग की फैमिली के लिए बहुत सारा चीज़ें बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये भी लिखा गया, आप कुछ कहते नहीं हैं, आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो इन्होंने कमेंट में जो रिप्लाई दिया वो सबसे बड़ा भयानक रिप्लाई था कि फाड़ देंगे, सबकी फाड़ेंगे। तो सिर्फ ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है अपनी जो पहचान बनाने आए थे ना सबसे पहले यूट्यूब पे, तो आप छोटे भाई के नाम से आए थे, उसके बाद आपने अपना जो है वो ए फॉर अंगूर या कुछ भी आपने अपना नाम रखा चैनल का, जो भी है आपकी पहचान आई थी छोटे भाई की तरफ से। तो क्या छोटे भाई इस तरह की बहनों को इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, फाड़ देंगे या कुछ कह देंगे? क्या आप घर पे भी अपनी बहनों को इसी तरह से बोलते हैं? जब आप YouTube पे आए थे छोटे भाई बनके, तो कई लोगों ने आपका नाम भी दिया, छोटे भाई भी दिया, बहुत कुछ कहा। हम लोगों ने भी वीडियोस बनाए, उसमें भी हम लोगों ने कहा, लंगूर भी नाम दिया, सब दिया, लेकिन इतना गलत नहीं कहा कि तुमको फाड़ देंगे, तुमको काट डालेंगे, तुमको ये कर डालेंगे, तुमको वो कर डालेंगे। किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने आपको ये सब नहीं कहा, हमेशा ये आपको चाहे टॉन्ट में कहा, चाहे आपको रोस्टिंग पे कहा, छोटे भाई का दर्जा दिया। और एक भी दिखा दीजिए कि आपको ऐसा कुछ कहा हो किसी रिएक्शन वाले ने, ऐसा कर देंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मत डालेंगे। तो आपको भी अपनी लैंग्वेज जो है वो सुधार के करनी चाहिए, सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। जबकि आप देखते हैं, आप जानते हैं कि आपका जो भी कमेंट होता है वो तक रिएक्शन वाले देखते हैं, आपने किसको क्या कमेंट किया वहाँ तक भी नज़रें होती हैं, पहुँच होती है। तो अब सक्सेसफुल आप यूट्यूबर बन ही गए हैं क्योंकि नेपोटिज्म का इतना ज़्यादा आपके ऊपर हो रहा है, हाथ रहा है, कि आप एक बहुत जल्द, जिस समय लोगों का 10 या 1000 भी वॉच टाइम नहीं होता है, तो आपने अपना चैनल उस टाइम तक मोनेटाइज करा लिया था। तो मोनेटाइज कराने के बाद भी आपका चैनल जो है वो ग्रो होता गया, चाहे वह नेपोटिज्म कह दीजिए, चाहे आपकी लक कह दीजिए। तो इस सक्सेस को अपने सर पर मत चढ़ने दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, अगर आपको ये चीज़ बुरी लगी है कि आप लोग के खिलाफ या आपके उसके खिलाफ डेली रोज़ वीडियोस बनते हैं सबके, जब कोई सक्सेस बन पाता है ना, तो जब किसी को कोई सफल होता है तो उसके पीछे बोलने वाले भी बहुत सारे होते हैं, और रिएक्शन चैनल वाले आपकी कमियाँ ही ढूंढते हैं, हम भी आपकी कमियाँ ही ढूंढते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, कमियाँ जो है वो आप अपने हाथों से परोस कर क्यों दे रहे हैं? अगर आपको बुरा ही लगा था, आपको इसकी बात का बुरा ही लगा है, सबकी बात का बुरा भी लगता है, तो आप इस तरह के रिप्लाई भी दे सकते हैं ना कि सब मैं सबको मैं देख लूँगा या सबको मैं एक्शन लूँगा, सबसे मैं बात करूँगा कि इस तरह से ना कहा जाए, इस तरह से ना कहें, पर्सनल अटैक ना करें, क्योंकि जो भी पर्सनल अटैक करते हैं या गाली देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनसे भी हम लोग यही कह सकते हैं कि रिएक्शन दीजिए, पोलाइटली दीजिए, नेगेटिव रिएक्शन भी दीजिए, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना कहें कि अगले को ये मौका मिल जाए कहने के लिए कि उन्होंने हमसे ये कहा था, काट डालेंगे, मार डालेंगे, उसी का रिप्लाई हमने दिया था। तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि छोटे भाई का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बात दूसरों तक पोलाइटली पहुंचाता है। फाड़ देंगे शब्द छोटे भाई का शब्द नहीं होता है। और अगर आप अपने घर में भी अपनी बहन को इस तरह से जवाब देते हैं, कहते हैं, तो वो अलग बात है। हम लोग के ऐसा नहीं होता है, छोटे भाई की हिम्मत नहीं है कि कोई हमसे कह दे फाड़ देंगे या काट देंगे या ऐसा कर देंगे। अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक लगता हो जो कि आपकी वीडियोस पे नहीं है, तो आप उस पर अपना एक्शन लीजिए, अपना उस पर करिए, कोई आपको कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? लेकिन जब आप जानते हैं कि आपके स्टेटमेंट्स या आपकी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, आपके जो भी कमेंट आप रिप्लाई करते हैं वहाँ तक लोगों की नज़र रहती है, और एक की नज़र रहती है और सबके पास पहुँचती है, तो आपको सोच समझ के संभल कर बोलना चाहिए। कभी भी सफलता को अपने सिर पर नाचने नहीं देना चाहिए कि आप उसके घमंड में कुछ भी बोलते हैं।
इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरा आज का रिएक्शन इतना ही है। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने सब्सक्राइबर से कह रहे हैं कि जो भी देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए। और हाँ, आज कोजागरी लक्ष्मी पूजा है, यानी कि आप लोग जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, हमारे बंगाल में उस दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा है। और सबको लक्ष्मी पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबके घरों में विराजमान रहे, सबको दे, माता लक्ष्मी सबके घर में रहे और धन धान से परिपूर्ण करे। मिलते हैं आप सभी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।